एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी का वीडियो जो है वो वीडियो कल बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ जो अभी वीडियो आया है उसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो चलिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है मेरी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो छोटा सा एक लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइबर स्टिक हो गए हैं एकदम, मतलब हिल ही नहीं रहे हैं, यहीं यहीं के यहीं पड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब पब्लिक देखना चाहती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैंने एक ब्लॉग चैनल और बनाया है नया, क्योंकि ये वाले चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये चैनल मेरा फ्रीज़ हो चुका है। तो इस चक्कर में मैंने नया चैनल बनाया है और उस पर मैं वीडियोस डाल रही हूँ। दिव्या की लाइफ स्टोरी के नाम से चैनल है। आप लोग चाहें, जो लोग सच में दिल से अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग सर्च करें और जाकर मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, और बाकी लोग जो मर्जी चाहें वो करें। तो चलिए मैं आती हूँ इस वीडियो पे। तो कल बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंकुर की इस बात के लिए मतलब बात की थी, कि पूछा था मुझसे कि क्या बात थी, वो समझ में नहीं आई हमें, कि जो अंकुर ने ये बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड जब हॉस्पिटल में थे तब मैं पता करने गया था, तब भी वो मेरे से घबरा रहे थे, तो तुमने उनको इतना बड़ा झूठ बोला था कि मैं मार दूंगा। तो वो जो बात थी वो ये बात थी कि उन्होंने साइक्लोन से ये बोला था, जैसे होता है ना, हर एक भाई को कंसर्न होता है अपनी बहन का, तो उसने ये बात बोली थी कि जिस तरीके से तूने लव मैरिज करने की सोची है ना, उस तरीके से अगर ये तू भागने की तैयारी कर रही है तो ऐसे में ना लड़कियों को मार दिया जाता है, शादी वादी नहीं होती है। तू तो फिर भी एक तरीके से लकी है कि तेरे साथ में मम्मी पापा मान गए और तेरी शादी करवा दी, इस तरीके की बात कही थी। लेकिन ऐसे में लड़कियों को मार दिया जाता है और उनकी शादी नहीं करवाते हैं उनके कहने पे। हरियाणा में उन्होंने इस तरीके से एग्जांपल दिया था कि हरियाणा में ऐसा होता है। तो इसने क्या किया, इसने अपने जो हस्बैंड थे वो जब हॉस्पिटलाइज थे, तो इसने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मेरा भाई कह रहा है वो मतलब ऐसे शादी हुई है तो वो तुम्हें मार देगा, इस तरीके से। तो वो जो बंदा हॉस्पिटलाइज था, जब ये पता करने गए तो उनके मन में वही डर था कि भैया ये आ रहा है तो ये मुझे मार सकता है, ये मुझे मार देगा, ठीक है। तो उस चीज़ से वो बंदा डरा हुआ था। तो साइक्लोन को देख रहे हो आप, कि मतलब इसने कितनी बातें घुमा घुमा के अपने भाई को कितना गलत दिखाया अपने हस्बैंड के सामने, है ना। ये अपने मन से जा रहा है उनका पता करने, और वो बंदा मतलब इनके मन में कोई, इसके भाई के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मार दूंगा या कुछ। उसने सिर्फ इसको एग्जांपल दिया था कि जो तूने हरकत की है उस हिसाब से हरियाणा में ऐसा होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है। लेकिन इसने अपने हस्बैंड को ये बोला कि मेरा भाई ने ये बोला है कि जो ऐसे शादी होती है तो उसमें ना मतलब तेरे हस्बैंड को मार दिया जाएगा, इस तरीके का। तो मेरा भाई जब ये गया तब वो उसके मन में, उस लड़के के मन में यही बात थी कि भैया ये मेरे को मारने आया है। तो आप सोचो कि इसने कितना गंद मचाया, मतलब लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कितना ज़्यादा भड़काया, तभी इसकी वजह से ना इसके भाई इससे बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ इसके बड़े भाई की भी कहानी बाहर आई, कि जब बीच में इसको कोई दिक्कत हुई होगी, कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने बताया कि गंगाराम हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ है और सारा पैसा उन्होंने खर्च किया है। जिसको आज ये बोलती है ना बहुत गंदे हैं, मेरे से रिश्ता नहीं रखते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो सारा खर्चा उन्होंने किया और ज़िंदगी मौत से उसको निकाल के बाहर लाए हैं। तो उसके बाद भी अगर ये किसी का एहसान नहीं समझ रही, तो आप सोचो कि ये कितनी ज़्यादा गिर गई है, है ना। जिस आदमी ने इसको बचाया, आज जिस वजह से ये जिंदा बैठी है, अगर सोचो इलाज नहीं कराते वो, पैसा खर्चा नहीं करते, इसके बड़े भाई जो अभी नहीं इनके साथ बोलचाल में हैं, तो अगर इसका इलाज नहीं होता तो फिर कैसा ये मतलब सर्वाइव कैसे कर रही होती और ज़िंदा कैसी होती, फिर इसके बच्चे का क्या होता, है ना। आप सोचो कि मतलब इसने कांड बहुत बड़े बड़े किए हैं, इसीलिए इसके फैमिली के लोग इससे मतलब नहीं हैं टच में और नहीं बात करना चाहते। इसीलिए अगर वो इसके टच में होता तो शायद वो भी आज डाइवोर्सी होकर घूम रहा होता, वो लड़का भी, है ना। उनका घर क्यों बस गया, क्योंकि वो इनसे दूर हो गए, उनको समझ में आ गई कि भैया हाँ ये ऐसी है और अगर मैं इसके चक्कर में रहूँगा तो मैं अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर लूँगा। तो उस बंदे ने अपनी लाइफ सिक्योर करना सही समझा, और मुझे लगता है कि एक वही आदमी है जो इनके घर में पूरा समझदार है,
जिसने टाइम रहते अपनी लाइफ का सोच लिया और समझ कर वो साइड हो गया। अदरवाइज़ इनके घर में ऐसा कोई भी नहीं दिखा मुझे कि जो दिमाग से सोचे या कुछ अच्छा कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता इनके घर में, ठीक है। ये सारी कहानी थी जो कल की लाइव की थी, बची कुची मैंने अभी बता दी। पहले तो मैंने बहुत सारी बातें वैसे भी बता ही दी हैं, अब आती हूँ आज के वीडियो पे। तो आज आया है मेकओवर वीडियो, पूरे घर की काया पलट कर दी दोनों घरों की। अब दोनों घरों में हुआ क्या है, सिर्फ झाड़ू लगा है। मतलब झाड़ू लगने को आप काया पलट बोलते हो तो भैया फिर बहुत ही बड़ी बात हो गई है ना। मैं नहीं समझ पाई ऐसी काया पलट को, क्योंकि ये काया पलट होती है, इसको मेकओवर बोलते हैं। मतलब ऐसे तो फिर हम दिन में 3 बार 4 बार मेकओवर कर लेते हैं अपने घर का, अगर झाड़ू मारने को मेकओवर बोला जाता है तो, है ना। तो मैं सोच के हैरान हूँ कि भैया कितने ज़्यादा चीज़ें ये लाती है अपनी तरफ से, कितनी ज़्यादा चीज़ें करती है, लेकिन एक बार भी इसको इतना फील नहीं होता कि भैया हम कर क्या रहे हैं, मैं कर क्या रही हूँ, ज़रा भी फील नहीं होता। मतलब एक इंसान होता है ना, उसे फील होता है थोड़ा बहुत कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, सब समझ में आता है इंसान को। छोटी बच्ची तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो हरकतें हो रही हैं कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब क्या है कि वो जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के करने की कोशिश हो रही है। और वो इसीलिए हो रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसको देखें, लोग पागल बने और हमारा डॉलर छप रहा है। अब नई कहानी आई है कि मैं AC बंद करके रात के टाइम बाहर गली में सोया करूँगी। आप मुझे बताओ कि क्या बोलूँ मैं, मतलब गली में सोने का क्या मतलब होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। एक फोल्डिंग मेरे पास है, एक फोल्डिंग मैं और ख़रीद के ले आऊँगी, लेकिन मैं गली में सोऊंगी। तो मैं ये कहूँगी कि जिसकी औकात ही रोड पे रहने की होती है ना, उसको कितने भी बड़े बंगले पे बिठा दो, वो अपनी औकात के हिसाब से ही काम करता है। तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम घर के अंदर रहकर काम करो या रहो, तो इस वजह से तुम्हारी छोटी सोच तुम्हें ये सब करवाती है। और छोटी सोच की वजह से ही कल को बहुत सी चीज़ें होंगी, उसमें गलती लोगों की नहीं होगी, गलती तुम्हारी होगी। और तुम खुद चाहती हो ऐसा हो, तभी तुम ये सब हरकतें कर रही हो, क्योंकि तुम खुद चाहती हो। अभी काफ़ी लोग इक्का दुक्का लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कल पड़ोसन को बड़ा अच्छा समझ रहे थे, तो मैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ उनकी एक बार वीडियोज़ देखो, है ना, ध्यान से चीज़ों को देखो। अपना दिमाग एकदम फ्रेश माइंड में जब हो ना आप, तब उनका वीडियो देखना और इनका बात सुनना, तो आपको ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद अभी नहीं बता रही, लेकिन आने वाले वक्त में बिल्कुल क्लियर करूँगी। ये चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि मैं आने वाले वक्त में जैसे जैसे इनका कंटेंट निकल कर आएगा, और मैं बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा श्योर हूँ कि वो कंटेंट बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला है। तो अभी मैं इसलिए शांत हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है, कंटेंट से हट के बात नहीं करती हूँ, तो बस मैं इसीलिए शांत हूँ। बाकी चीज़ें तो मुझे बहुत सारी पता चल चुकी हैं और वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल में तो मैं अंकुर के वीडियो को भी वेट कर रही हूँ, हो सकता है कि अंकुर ही अपना मुँह खोल दे और वो चीज़ें आप तक आ जाएँ। जब एक बार सोशल मीडिया पर किसी भी चैनल के थ्रू वो चीज़ें बाहर आ गई ना, उसके बाद देखना कि मैं क्या क्या इनका खोल के आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। पहले मैंने बहुत सी चीज़ें रखी हैं, आपको पता है, इनके पापा की जो एक्टिंग वाली वीडियो थी नीचता वाली, वो मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोग भी शॉक में हो गए, प्रूफ भी दिया है ना। तो आज भी कहती हूँ बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अभी ये है कि मैं अपने मुँह से पहल नहीं करना चाह रही। पहल मैं इनके घर से ही करवा दूँगी, आपको टेंशन मत लीजिए, ये खुद बोलेंगे, ये खुद बोलेंगे और ये खुद बोल बोल के गाएंगे। उसके बाद मैं 20% ये बताएंगे, बाकी 80% मैं बताऊंगी कि क्या क्या कैसा कैसा है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो का एंड करती हूँ। कम्युनिटी लगा दी है, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बहुत जल्द आएगा। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि कम्युनिटी नहीं लगा रहे हो आप, तो मैंने लगा दी है, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मन करे तो ब्लॉग चैनल पर भी चले जाइएगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।